तो वो वही लगाएंगे ना। लग गया। तेरे को और नया दिन, एक और नई जर्नी आज है भाई। क्या है, मैं खुद भूल गया। वैसे डेट जान के करो भी क्या, हम तो बहुत लेट डाल रहे होंगे व्लॉग। मैं हूँ अभी फिलहाल भाई गुड़गांव में, एंड आपको पता ही होगा हम भाई निकल रहे हैं अप्रैल में दिल्ली टू लंदन अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में बाय रोड 20,000 किलोमीटर गाड़ी चला के हम लंदन पहुंचेंगे, जिसमें हम बहुत सारी कंट्रीज कवर कर रहे हैं, अराउंड 28-29 कंट्रीज, जिसमें से हमने टर्की का वीजा ले लिया है, ईरान का वीजा ले लिया है। अब हमें यूरोप में ना गाड़ी चलाने के लिए भाई शेंगेन वीजा लेना पड़ेगा। जिनको नहीं पता बता दूं भाई, यूरोप की जितनी कंट्रीज है ना, काफी सारी कंट्रीज, वो एक वीजा एक्सेप्ट करती है जिसका नाम है शेंगेन। अब इसकी डिटेल हिस्ट्री बताने की तो इतना जरूरत है नहीं, वो आप गूगल कर लेना या और भी यूट्यूब वीडियोस है उसमें देख लेना। बट इन शॉर्ट, अगर आपको यूरोप में ट्रेवल करना है, भले ही फ्लाइट से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो वहां पे अंदर ही अंदर, या फिर यहां से अपनी गाड़ी में जा रहे हो, आपको एक ही वीजा लेना पड़ेगा पूरा यूरोप घूमने के लिए, वो है शेंगेन। शेंगेन वीजा भाई मतलब जितना बोलने में आसान है ना कि एक ही वीजा लो सब कंट्री घूमो, उतना ही भाई लगवाने में लोगों ने हवा बना रखा है कि बहुत मुश्किल है, रिजेक्शन हो जाती है, डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से चाहिए। देखो हमें तो जाना ही है भाई लंदन किसी भी हालत में, तो वीजा तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, चाहे मुश्किल हो चाहे आसान हो। इसलिए आज के इस ब्लॉग में एक एक भाई स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि वीजा अप्लाई करना कैसे है, और एंड में आपको पता भी चल जाएगा वीजा हमारा लगा या नहीं लगा, कैसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, एजेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए, कवरिंग लेटर कैसे बनाने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कवरिंग लेटर, एंड पांचवा सबमिट करने के बाद कितने दिन लगते हैं, टोटल फीस कितनी लगती है, रिजेक्शन से कैसे बचे, वो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वाली वीडियो में मिल जाए। अब देखो शेंगेन वीजा लगाने के लिए ना, सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर करनी है कि आप किस कंट्री के थ्रू जो है वो वीजा लगाओगे, क्योंकि शेंगेन में बहुत सारी कंट्रीज आती है, तो आपको कोई एक कंट्री चूज करनी पड़ेगी, या तो ऐसी कंट्री। अब इसमें ना दो तीन अलग अलग सीन बन सकते हैं। पहला सीन ये है कि आप किसी एक ही कंट्री घूमने जा रहे हो, मान लो आप स्विट्जरलैंड जा रहे हो घूमने, तो ऑब्वियसली भाई फिर स्विट्जरलैंड की एम्बेसी से ही जो है वो वीजा लगवाओगे। लेकिन चेक इन सिचुएशन बनती है, काफी लोग जो है वो एक ही बार में ना बहुत सारी कंट्रीज कवर करते हैं, क्योंकि यूरोप में ना कंट्रीज ऐसे है, जैसे भाई अपने इंडिया में स्टेट है कि आप पंजाब से हरियाणा चले गए, ऐसी वहां पे क्या होता है जर्मनी से किसी कंट्री चले गए या दूसरी कंट्री चले गए, मतलब बहुत पास पास है और बॉर्डर्स भी नहीं है वहां पे। तो कई लोग ना फिर एक ही बार में 15-20 दिन का प्लान बनाते हैं 5-6 कंट्रीज कवर करने का। अब इस केस में ना वीजा आपको उस कंट्री का लेना चाहिए जिस कंट्री में आप सबसे पहले एंटर करोगे, मतलब दिल्ली से या मुंबई से जहां से भी आप फ्लाइट पकड़ के जा रहे हो, जिस कंट्री में भी लैंड करोगे ना वहां की एम्बेसी को आपको जो है वो वीजा अप्लाई करना है, या फिर पूरी ट्रिप में जिस कंट्री में आप सबसे ज्यादा दिन रुकने वाले हो। मान लो मैं 3 कंट्री जा रहा हूं, स्पेन हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, तो अगर मैं जर्मनी में सबसे ज्यादा दिन रह रहा हूं ना 15 में से 6-7 दिन और बाकियों में 3-3, 4-4 दिन ही, तो मेरे को भाई उसी कंट्री से वीजा लगवाना पड़ेगा जिस कंट्री में मैं सबसे ज्यादा दिन रुकने वाला हूँ। तो आई होप आपका ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा कि अप्लाई कौन सी एम्बेसी से करना है। बाकी यार यूट्यूब पे ना शेंगेन वीजा की वीडियोस तो बहुत है, बट बोरिंग सी है, लोग बैठ के ऐसे बातें मारते रहते हैं। मैं आपको इस वाली वीडियो में ना स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करके दिखाऊंगा, प्लस अपना भी वीजा लगा के दिखाऊंगा, पूरा व्लॉग बनाएंगे वहां जाकर, ठीक है, जहां पे भी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। और एंड तक आप की भी दिल की धड़कने और मेरी भी दिल की धड़कने बड़ी रहेगी कि वीजा लगा या नहीं लगा, लगा या नहीं लगा, ठीक है। तो इस जर्नी में ना एंड तक बने रहना, हो सकता है 25-30 मिनट की वीडियो, बट सारी इन्फॉर्मेशन A to Z दे दूंगा, क्या क्या आपके लिए काम आएगी। अगर हमारा रिजेक्ट भी हुआ तब भी आपको बताऊंगा कि भाई क्या करना चाहिए जिससे रिजेक्ट ना हो, और अगर मिल गया तो हम तो चले लंदन। अच्छा बात करें हम भाई कौन सी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम तो ऑलमोस्ट 21 कंट्रीज ट्रेवल करने वाले हैं यूरोप की। पहले तो हमने सोचा था भाई फ्रांस से अप्लाई करेंगे, बट फ्रांस की अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रही थी, ऊपर से ना एक दो एजेंट से हमने बात करी, वो बता रहे थे कि फ्रांस में ना वेटिंग पीरियड बहुत है, मतलब वीजा जब आप अप्लाई कर देते हो ना उसके कई कई दिन तक तो भाई एप्लीकेशन का कोई रिजल्ट ही नहीं आता। तो हमने फिर फ्रांस को ड्रॉप किया और अब जो है फाइनल किया है स्पेन से हम जो है अपना वीजा अप्लाई करेंगे। एंड इंडिया में आप स्पेन का वीजा BLS इंटरनेशनल के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। ये BLS VFS क्या है थोड़ी देर बाद बात करेंगे, बट इन शॉर्ट मोटा मोटा ये है कि हम स्पेन के थ्रू जो है शेंगेन वीजा अप्लाई करने वाले हैं। अब इस पूरे प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है BLS की आपको वेबसाइट पे जाना है, ये वाली वेबसाइट है, एंड यहाँ पर भाई एक अपॉइंटमेंट बुक करनी है वीजा सेंटर की। तो ये छोटा सा फॉर्म है, अपॉइंटमेंट फॉर इंडिविजुअल या फैमिली, अगर फैमिली के साथ जा रहे हो तो ये चूज कर लेना। पासपोर्ट इशू प्लेस हमारा दिल्ली में पासपोर्ट बनाता, करंट रेजिडेंस हम भाई हरियाणा के हैं, ड्यूरेशन मोर देन 6 मंथ के लिए या लेस देन 6 मंथ, तो हमें भाई लेस देन 6 मंथ के लिए चाहिए। फिर पूछ रहा है सेलेक्ट योर सेंटर, न्यू दिल्ली में, कोलकाता में, काठमांडू, नेपाल में, तो हम तो जाएंगे भाई न्यू दिल्ली में। फिर पूछ रहा है ये अपॉइंटमेंट कैटेगरी, अब नॉर्मल है, प्रीमियम है, प्राइम टाइम है, डोर स्टेप है, फर्क क्या है, नॉर्मल तो नॉर्मल है, प्रीमियम के आपको थोड़ी सी वहां पे एक्स्ट्रा सर्विस मिलेगी। इसके बाद है प्राइम टाइम, प्राइम टाइम उन लोगों के लिए होता है भाई जो दिन में ऑफिस जाते हैं और शाम को वीजा के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि शायद इनका जो टाइम
टाइम है ना वैसे वीजा का वो 5 बजे का है, बट अगर आपकी छुट्टी ही 5:30 होती है तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। अगर ये प्राइम टाइम वाला ऑप्शन चूज करोगे जो ऑब्वियसली महंगा होगा, तो शाम के 7 बजे जाओ 6:30 बजे जाओ, इस ऑप्शन के थ्रू जा पाओगे। एंड फोर्थ ऑप्शन है डोर स्टेप सर्विस, ये उन लोगों के लिए भाई जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो ये घर पे ही आ जाएंगे खुद आपका लगवाने, बट हम नॉर्मल चूज करेंगे। डोर स्टेप वाला भी ना ऐसा सच कोई सर्विस नहीं है, इसमें फॉर्म भरना पड़ेगा वो कॉल करेंगे तो झमेला ही है, हम नॉर्मल करते हैं। फिर उसके बाद आपको फोन नंबर डालना है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालनी है, उस पे एक कोड आएगा वो आपको वेरीफाई करना है, यहाँ पर डाल के कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद ये अपॉइंटमेंट बुकिंग फॉर्म खुल गया, सबसे पहला जिसमें ऑप्शन है अपॉइंटमेंट डेट का, तो मैं जैसे यहाँ पे चूज करूंगा यहाँ पे काफी सारी जो है वो डेट्स आ रही है, बट ऑलमोस्ट जो है भाई वो सारे स्लॉट फुल है। ये देखो जो ऑरेंज वाले है ना ये वर्किंग डेज है, पिंक वाले तो छुट्टी वाले दिन। मैं 30 की ले लूं चाहे 31 की ले लूं, हर जगह आप देख सकते हो भाई स्लॉट फुल दिखाई दे रहे हैं, और 31 के आगे के तो भाई है ही नहीं स्लॉट। अब ये स्लॉट बुकिंग का ना मैं भाई पिछले 5 दिन से ट्राई कर रहा हूं बट मेरे को स्लॉट मिल ही नहीं रहे। रात के 2 बजे चेक करता हूं, सुबह 5 बजे उठ के चेक करता हूं, दोपहर को, रात को, शाम को, मतलब दिन में मैं 10 बार ये बार बार चूज करने की कोशिश करता हूं बट भाई मिल ही नहीं रहे स्लॉट। तो थक हार के काफी लोगों से बातचीत करके एक एजेंट के बारे में पता चला हमें, जो भाई बिना ही बुकिंग के आपको अपॉइंटमेंट दिलवा देंगे, ऑब्वियसली उसके बदले वो कुछ फीस लेंगे, बट ये है ना भाई कि 5 दिन से हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मिल ही नहीं रही अपॉइंटमेंट, उन्होंने सीधा 1 दिन के बाद की दिलवा दी। वो कह रहे कल आ जाओ, मैंने कहा कल तो नहीं जी, 2-3 दिन दो, हम डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर ले जरा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा भाई, अगर नहीं मिल रही ना आपको स्लॉट तो आप एजेंट बुक कर दो, एंड एजेंट बुक करने के बाद फीस वीस मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। खैर वो ना आपको काफी सारे डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप पे भेज देंगे, जो जो आपको ले जाने हैं पूरी लिस्ट भेज देते हैं, बाकी वैसे इनकी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है काफी हद तक, बट हमारा काम सारा एजेंट ने कर दिया, हमें तो बस भैया प्रिंट निकाल के फॉर्म वॉर्म भरना था और डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने थे। अब बात करते हैं भाई सेकंड स्टेप एंड सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन की, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो ये भाई डॉक्यूमेंट की चेक लिस्ट है, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपको रेडी करने पड़ेंगे, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो एक एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए शेंगेन वीजा के लिए, जो आपको अच्छे से फिल करना है पूरा, और यहाँ लिखा हुआ है ब्लू इंक से, मतलब ब्लू पेन से। इसमें आपको एक फोटोग्राफ भी लगानी है जो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, एंड साइज जो है फोटो का वो है 35mm x 45mm, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ये वो एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपको प्रिंट निकालना है एंड फिर भरना है। नॉर्मल ये डिटेल सरनेम हो गया अपना, फर्स्ट नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी वगैरह, ऊपर यहाँ पे फोटो लगेगी। ये जो है ना नेशनल आइडेंटिटी नंबर, इसमें आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट में ऑर्डिनरी पासपोर्ट, नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट मतलब कि अपना ये जो आपका पासपोर्ट है उसका नंबर डालना है, डेट ऑफ इशूज का वैलिड अंटिल मतलब एक्सपायरी डेट डालनी है, और इशूड बाय कंट्री इंडिया ही होगा। फिर अगर आपकी कोई फैमिली यूरोप में रहती है तो आपको उनकी डिटेल डालनी है, बट हमारे केस में नहीं था। सेकंड पेज में भाई करंट ऑक्यूपेशन, जॉब है, बिजनेस है, जो भी है, और जहां का भी ऑफिस आपका उसका कंप्लीट नाम और एड्रेस। मेन पर्पस क्या है हमारा, टूरिज्म है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में खाली छोड़ देना, हमने नहीं भरा। मेंबर स्टेट में यहाँ पर आपको वो कंट्री भरनी है जिन जिन कंट्रीज में आप विजिट करने वाले हो अपने ट्रिप के दौरान, एंड मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री मतलब कहाँ पर आप फर्स्ट लैंड करोगे। फिर पूछ रहा है नंबर ऑफ एंट्रीज, तो सिंगल, टू या मल्टीपल, हमने भाई मल्टीपल एंट्रीज के लिए अप्लाई किया है, हालांकि हमें जरूरत नहीं है मल्टीपल एंट्री की, हमें तो एक ही बार एंटर करना है, बट स्टिल भाई ले लेते हैं, क्या पता दे ही दे। फिर ये पूछ रहा है आप अपनी ट्रिप को स्पॉन्सर कैसे करोगे, मतलब कैश ले जाऊंगा, तो कैश को टिक कर दिया, इसके अलावा क्रेडिट कार्ड भी ले जाऊंगा, अदर्स में आप यहाँ पे डेबिट कार्ड भी लिख सकते हो, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपने स्पॉन्सर का भी जो लगा सकते हो, या फिर आपकी कंपनी आपको भेज रही है, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, जो भी है, मतलब उनकी डिटेल आप दे सकते हो। उसके बाद नीचे प्लेस एंड डेट और अपना साइन कर देना। तो ये 3 पेज का वीजा एप्लीकेशन फॉर्म था टोटल, एंड अगर आप कोई एजेंट करोगे ना तो भाई वो आपको ना खुद ही फॉर्म भरवा देगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, एक बार उनसे मिल लेना जाके और अपना वही फॉर्म वॉर्म भरवा देंगे, बट हमने तो इतनी तो हमें अक्कल है भाई, हमने खुद ही भर लिया। एजेंट का यूज हमने सिर्फ करा है भाई स्लॉट लेने के लिए, वरना वहां पे अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगी तो ये डॉक्यूमेंट का क्या चार्ज डालेंगे। जब वैसे जो एजेंट है ना वो आपको तो बता ही देंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आने हैं, बट हमने कौन कौन से जमा करवाने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो ये डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट हो गया, सेकंड हो गया एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल करा होगा, फिर अपनी आईटीआर देनी है 2 साल की, पर मैंने 2 की जगह भाई 4 साल की दे दी, मैंने कहा ले लो पर वीजा मिलना चाहिए। उसके अलावा अपने कंपनी की भी मैंने 2 साल की आईटीआर दे दी, क्योंकि 2 ही साल हुए मेरी कंपनी को तो 2 साल की ही दे सकता हूँ, उससे ज्यादा है नहीं। फिर कंपनी का एक जीएसटी सर्टिफिकेट दिया, एंड एक और होता है ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में COI भी बोलते हैं, तो अगर आपकी कंपनी है तो ये भी देना है, और एक MOA होता है वो भी देना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन करके। बाकी इसके अलावा पासपोर्ट तो देना ही है। फिर आता है मेन भाई हमारा कवरिंग लेटर। अब ये जो कवरिंग लेटर है ना भाई, ये अच्छे से बनाना है आपको, वरना मतलब समझ लो सारा गेम जो टिका ना आपके कवरिंग लेटर पे ही टिका हुआ है। अच्छा कवरिंग लेटर मतलब आपके 90% चांसेस है मिलने के वीजा, बाकी 10% हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट की वजह से
रिजेक्ट हो जाए, बट कवरिंग लेटर अच्छा है तो वीजा मिलेगा। फिर आपको फ्लाइट टिकट देनी है अगर आप बाय फ्लाइट जा रहे हो, बट हम गाड़ी से जा रहे हैं आपको पता ही है, तो हमने कारनेट की कॉपी लगा दी है, साथ में गाड़ी की आरसी लगा दी है, और इसके अलावा दिल्ली से ईरान की डमी फ्लाइट टिकट लगा दी है। कंफर्म टिकट नहीं ली थी हमने, डमी ली है, क्योंकि ईरान टर्की फिर हम यूरोप एंटर करेंगे ना, तो ईरान तक तो हमें फ्लाइट से ही जाना है, तो उसकी भी हमने बुकिंग नहीं करी, बस डमी टिकट ले ली। फिर सबसे इंपॉर्टेंट भाई, सारे ही दिनों की जितने भी दिन का आप वीजा अप्लाई कर रहे हो उसकी होटल बुकिंग आपको करके देनी है। हमने उसके लिए booking.com को चूज करा, क्योंकि वहां पे ना आपको प्रीपे नहीं करना होता, मतलब बुकिंग कर लो फिर आप उसको कैंसिल भी करवा सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं लगते। तो हमने जितने दिन का वीजा लिया ना भाई, पूरे के पूरे दिनों की हमने जो है वो आइटनरी लगाई है, 86 या 82 डेज की हमने बुकिंग करी है भाई, सब होटल्स की पूरे यूरोप में, एंड उन सबके भी प्रिंट आउट निकालने पड़े। फिर इस तरह से हमने एक ही आइटनरी बना के दी है कि दिल्ली टू लंदन जो हमारा रूट है ना, वो हम कहां कहां जाने वाले हैं, तो बल्गेरिया से हम एंटर करेंगे, एंड कब करेंगे, किस डेट को चेकआउट होगा, कितनी नाइट रुकेंगे, ये सब लिखा है, और एंड में हम फ्रांस से एग्जिट ले रहे, किस डेट को ले रहे और कितने दिन रुके थे फ्रांस में, वो लिख दिया। तो इस तरह से एक आइटनरी भी दी है, और साथ ही साथ एक ही एक्सेल फाइल में ना डिटेल आइटनरी भी बना के दी है कि एक्चुअल जो हमारा प्लान है ना दिल्ली टू लंदन, उसमें हम देखो दिल्ली से इस दिन निकलेंगे, फिर ईरान जाएंगे, ईरान में इतने दिन रहेंगे, टर्की में इतने दिन रहेंगे, फिर पूरा यूरोप घूमेंगे, तो सारी इन्फॉर्मेशन हमने डेट वाइज दिया बना के। तो जब भी आप वीजा अप्लाई कर रहे हो अपना कवरिंग लेटर एंड आइटनरी प्रॉपर प्लान रखना, कहां कहां आप किस किस दिन जाने वाले हो, अगर ये सब आप उनको प्रॉपर प्रूफ के साथ दोगे ना, तो एम्बेसी ऑफिसर को भी लगेगा कि हाँ भाई बंदा सीरियस है एंड घूमने ही जा रहा है, ये नहीं कि वहां बस जाए। एंड भाई यूरोप का वीजा अप्लाई करने से पहले एक आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी लेना होता है, जिसमें भाई मिनिमम 30,000 यूरो तो कवर होनी ही चाहिए, और ये इंश्योरेंस आपको 1,500-2,000 रुपए मिल जाएगा, पॉलिसी बाजार कहीं से भी ले लेना, कोई एजेंट हो जानकार पॉलिसी वाला वो भी बना के दे देगा। वर्ल्ड वाइड ट्रैवल इंश्योरेंस भी ले सकते हो, स्पेसिफिक यूरोप के भी ले सकते हो। हमने जो है वो बजाज का लिया था, और कितना 3,500 में था कुछ, और $100,000 कवर थे उसमें, तो 30,000 यूरो तो कम ही है फिर भी, है ना। इसके अलावा इनकम प्रूफ में मैंने जैसे कि बताया ITR दे ही दी अपनी, बैंक स्टेटमेंट मैंने अपनी दी है 6 महीने की चाहिए, और इसमें आप ना ऑनलाइन निकाल के नहीं ले जा सकते, आपको प्रॉपर बैंक जाना पड़ेगा, बैंक से निकलवानी पड़ेगी, एंड फिर जो है वो बैंक वाली स्टैंप, बैंक वाले स्टैंप करके देंगे एक एक पेज को, वो आप जमा करवा सकते हो। तो पर्सनल तो चाहिए 6 महीने की सेविंग्स अकाउंट की, अगर आपकी कंपनी है तो उसकी कंपनी के भी स्टेटमेंट चाहिए 6 महीने की करंट स्टेटमेंट। तो वो दोनों मैं बैंक गया था, निकलवा के लाया और स्टैंप लगवाए, तब जाके वो वैलिड प्रूफ होती है। इसके अलावा मैंने अपनी एक घर की रजिस्ट्री लगा दी है, हमने घर खरीदा आपको पता ही होगा, तो ये मेरे नाम और पापा के नाम तो पे है, तो इसलिए मैंने इसकी रजिस्ट्री भी लगा दी कि कम से कम एक फाइनेंशियल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरह काम आ जाए कि हाँ मेरा घर है इंडिया में और मैं वापस आऊंगा भाई, ऐसा नहीं है वहीं बस जाऊंगा। ये तो था केस मेरा, खुद की कंपनी है या सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आप जॉब करते हो तो आपको सैलरी स्लिप चाहिए, ITR चाहिए, और एक दो डॉक्यूमेंट और होते हैं, जैसे NOC चाहिए कंपनी की कि आप हाँ छुट्टी पे जा रहे हो इतने दिन के लिए और वापस आके ज्वाइन करोगे कंपनी, और कंपनी को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आपको भेजने में। बाकी स्टेटमेंट आपको अपनी भी लगवानी है उसमें 6 महीने की, कंपनी की नहीं लगेगी क्योंकि आपकी कंपनी नहीं है ना भाई। अच्छा बाकी ये जो कवरिंग लेटर होता है ना भाई, हर किसी का अलग होता है अपनी ट्रिप के हिसाब से उनका जो भी प्लान है, बट हमने जो कवरिंग लेटर बनाया उसका सैंपल मैं आपको नीचे ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, वो लिंक पे आप क्लिक करोगे ना 3-4 डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे जो भी इस वीजा से रिगार्डिंग चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, और साथ ही साथ में हमारा कवर लेटर भी, उसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, या दिल्ली टू लंदन कर रहे हो तो वैसे ही कुछ बना सकते हो, ठीक है। तो वो आपकी हेल्प कर दी मैंने, क्योंकि कवरिंग लेटर ना इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप अच्छा बना लोगे तो चंगा होगा, तो इसलिए मैंने डाल दिया अपना कवरिंग लेटर। ओके थैंक यू बोल देना लाइक के फॉर्म में, और कमेंट्स भी कर देना अच्छे अच्छे यार, शेयर वेयर करा करो वीडियो। नेक्स्ट मॉर्निंग फाइनली आज भाई बड़ा दिन है, मतलब सेकंड बड़ा दिन है, क्योंकि असली बड़ा दिन आएगा जिस दिन हमारा पासपोर्ट आना होगा, बट आज हम जा रहे हैं BLS के ऑफिस में अपना पासपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट जमा करवाने, एंड फाइनली पता चलेगा 2-4-5 दिन बाद की शेनेगन वीजा अपना लगा या नहीं लगा, उसी बेस पे भाई ट्रिप टिकी हुई है, क्योंकि UK वीजा एक बार को ना भी लगे हम पूरा यूरोप घूम के आ जाएंगे, बट अगर शेनेगन ही नहीं लगा फिर तो टर्की ईरान घूम के क्या करेंगे गाड़ी से, है ना, फिर तो कैंसिल हो जाएगा प्लान उस चक्कर में। अच्छा जिन लोगों को भाई ये BLS वगैरह का नहीं पता बता दूं क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा टर्की वीजा में हमने VFS में जाके जमा करवाए थे, ऐसी जो शेनेगन वीजा ना वो VFS भी करता है, बट हमने स्पेन के थ्रू बुक करवाया, क्योंकि एक तो कह रहे हैं कि उसमें ना अप्रूवल जल्दी मिल जाता है, दूसरा डेट्स मतलब थोड़ी इजी होती है अपॉइंटमेंट लेना, तो इसलिए BLS जो है ना वो स्पेन का वीजा देखता है, सिर्फ BLS, बाकी फ्रांस वगैरह जो ये सब कंट्रीज है वो VFS ही देखता है। अब ये VFS BLS क्या होते हैं वो थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ, ये ना एक टाइप की एजेंसीज होती है जो एम्बेसी के बिहाफ पे ना लोगों से सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करती है,
अच्छे से उनको फिल्टर आउट करती है और फिर एम्बेसी को जाके देती है वीजा लगवाने के लिए, और एम्बेसी जैसी वीजा लगा देती है वो पासपोर्ट वापस से दे देती है अपना VFS या BLS ऐसी एजेंसीज को, और फिर हमें वहां पे जाके या तो पिक करना होता है या फिर वो कुरियर कर देते हैं घर पे। तो इन शॉर्ट अगर जैसे एम्बेसी डायरेक्ट अगर ये एप्लीकेशन लेना तो भाई बहुत बसड़ मचती है, लोगों को डॉक्यूमेंट्स का पता नहीं होता, वहां जाके एक एक घंटा टाइम वेस्ट होता है लोगों का भी और फिर एम्बेसी ऑफिसर्स का भी। तो इसलिए उन्होंने ऐसे ना हर देश में VFS BLS जैसी एजेंसीज को अपॉइंट किया हुआ है कि आप हमारे भी आप पे अच्छे से डॉक्यूमेंट्स ना सारे फिल्टर आउट करके जो फाइनल फाइल बनेगी ना वो हमें भेजना, उससे पहले की सरदर्दी आप। तो इसलिए VFS और BLS जो है ना वो भी भाई अपनी एक फीस चार्ज करते हैं वीजा के फीस के अलावा। जैसे आपने टर्की वीजा में देखा होगा 5,000 समथिंग थे VLS वालों के और बाकी वीजा फीस थी इंश्योरेंस था तो 19,000-20,000 का पड़ा था हमें। ऐसी सेम टू सेम ये जो है समथिंग $80 के आसपास का जो है वो फीस है, यानी कि 6,500-7,000 रुपए के आसपास, और BLS वालों की अलग फीस होगी। उसमें भी डिपेंड करता है आप कौन सा स्लॉट ले रहे हो, प्रीमियम वाला नॉर्मल वाला, तो वो करते कराते ना आपको 12,000-13,000 रुपए का वीजा शेनेगन भी पड़ेगा। ये BLS का ऑफिस जो है अपना यहाँ पर है मैं पहाड़गंज है, बाकी आपकी सिटी में देख लेना इनकी वेबसाइट पे, जब अपॉइंटमेंट बुक करते हो ना तभी आ जाता है सेंटर। तो हमने तो दिल्ली वाला ही भरा था, गुड़गांव से पास पड़ता है, तो मैं तो निकल गया हूँ, पांडे मेरे को वहीं मिलेगा, 15-20 मिनट में पहुंचने वाले भाई। और फाइनली दिल धक धक सा हो रहा है भाई साहब, ऐसे शेनेगन वीजा के लिए जा रहे हैं हम, बताओ। मैं आपको भी नहीं कह सकता कि दुआ करना मिल जाए वीजा, क्योंकि जब ये वीडियो डल रही होगी उस टाइम तक तो भाई हम लंदन मतलब निकल चुके होंगे लंदन ट्रिप के लिए, तो आप उस टाइम दुआ करोगे भी तो कुछ फायदा नहीं होगा ना, पहले ही वीजा मिल चुका है जब, कोई गल नहीं। बट ये करना कि ट्रिप पूरी देखनी है भाई, 100-120 व्लॉग्स आएंगे और खतरनाक वाली रोड ट्रिप है भाई, पांडे के चैनल पे भी मेरे चैनल पे भी, ऐसा दबा के देखना सारे लोग, मतलब 10-10 मिलियन व्यूज हर वीडियो पे भाई, कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी, क्योंकि भाई बहुत खर्चा हो रहा है, वो खर्चे की भी एक अलग वीडियो बनाएंगे कितने हैं दो लोगों के हिसाब से पर गाड़ी, तो इसलिए व्यूज आते रहेंगे तो पैसा आता रहेगा, ब्रांड्स आते रहेंगे, और ऐसी हम और भी ट्रिप फ्यूचर में प्लान करते रहेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया करना है, USA पूरा गाड़ी से करना है, कनाडा करना है, तो वो जब ही करेंगे ना भाई जब इस वाली ट्रिप पे रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, रिस्पॉन्स ही नहीं अच्छा मिला तो फिर देखते कर ही लेंगे फिर भी। ऑलमोस्ट भाई पहुंचने ही वाला हूँ, 5-6 मिनट का रह गया यहाँ से। लो भाई पहुंच गए हैं BLS का ऑफिस, ये देख लो आप सामने यहाँ पे लिखा हुआ है BLS स्पेन वीजा एप्लीकेशन सेंटर। पांडे का वेट कर रहा हूँ गाड़ी में, यहाँ पे पार्किंग का भी इशू लग रहा है मुझे, तो देखते हैं पांडे आएगा फिर पता करेंगे कहाँ लगाऊं गाड़ी। तो सामने BLS है बट वहाँ पे गाड़ी लगा नहीं सकते, टो हो सकती है, तो किसी ने बताया ये मेट्रो स्टेशन है ना सामने वाला, इसकी ऑथराइज पार्किंग है, यहाँ पे लगा दो ताकि टो करके ना ले जाए गाड़ी। मैंने कहा सही बात है भाई, लंदन जाना है इसी गाड़ी में, कुछ भी रिस्क नहीं ले सकते अब हम इस गाड़ी के साथ, ये है शायद से ना। हाँ, पार्किंग, नो पार्किंग ऑन दिस रोड, रोड पे नहीं लगा रहे चाचा, इतनी दूर आए तो अंदर ही लगाएंगे अब तो। हाँ, ये रहा पालिका प्लेस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, लेट्स गो। पार्किंग भी भरी हुई है भाई, और BLS के बाहर भी काफी भीड़ थी, मतलब काफी लोग स्पेन का वीजा अप्लाई कर रहे हैं। लो भाई यहाँ भी पार्किंग नहीं है, बताओ पार्किंग के अंदर ही पार्किंग नहीं है, वेरी गुड। और देखते हैं कहीं पे, ऐसा मन करता है भाई दिल्ली में ना अपनी गाड़ी तो लाओ मत, या तो मेट्रो से ट्रेवल करो, सबसे बेस्ट है मेट्रो, हर जगह पे कनेक्टिविटी है, सीधा मेट्रो स्टेशन से उतर के पहुंच जाते हैं, या फिर अपना कैब में आओ ताकि टेंशन ही ना हो पार्किंग की। भाई साहब जुगाड़ कर कुर के लगा दी यार, बहुत परेशान हो गया, 15 मिनट से जगह ढूंढ रहा था, अब जाके रोड पे ही लगानी पड़ी, यहाँ पे क्या करूँ। सही मैं आपको सजेस्ट करूंगा भाई, मत लेकर आना, मेट्रो से आ जाओ, बस से आ जाओ, कैब से आ जाओ, अपनी गाड़ी मत लाना यहाँ पे, बहुत दिक्कत है पार्किंग की। अब होपफुली यहाँ से टो ना हो जाए, बस भगवान का नाम लेके छोड़ जाते हैं। चलो भाई फटाफट से जमा करवाता हूँ, देख रहे हो इतनी मोटी फाइल बना के लाया हूँ, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स है क्योंकि। चलो भाई हमारा काम हो गया है, हार्डली 20 से 25 मिनट लगे, और अभी मैं आपको बताता हूँ वेबसाइट पे तो देखो बुकिंग मिल नहीं रही थी, जो स्लॉट्स होते हैं ना वो फुल दिखाता है, बट यहाँ पे भैया एक बार नाम बता दो। मेरा नाम जितिन कुमार है। तो भैया जो है वो आपको स्लॉट्स दिलवा सकते हैं 1-2 दिन के अंदर अंदर ही, और वीजा का मैं पूरी हेल्प करूंगा। हाँ मतलब फॉर्म वॉर्म डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब है ना, हाँ। तो भैया का जो कॉन्टेक्ट डिटेल है वो आपको नीचे मिल जाएगा, थोड़े बहुत चार्जेस होते हैं बट मेरे हिसाब से वर्थ इट है वो चार्जेस, है ना। चलो आपसे जो पहले हम तो लग जाएगा पक्का, देखो हम अप्लाई करेंगे फिर से बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे, नहीं हमारा लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा है भाई, लग जाएगा, इतनी मेहनत करी है हमने, बिल्कुल। चलो ठीक है भैया, मिलते हैं फिर, ओके चलो जी, ठीक है सर, ओके जी, ओके बाय बाय। लो भाई शुक्र है गाड़ी खड़ी हुई है अपनी यहाँ पर मस्त एकदम, बोला गया है कि 15 दिन वेट करना पड़ सकता है बट कह रहे हैं 7 दिन के अंदर अंदर भी आ सकता है, तो हमने SMS वाली सर्विस ले ली है इनकी, और SMS सर्विस के थ्रू हमें मैसेजेस के थ्रू पता चलता रहेगा कि कहाँ है पासपोर्ट, पर ये नहीं पता चलेगा वीजा लगा या नहीं लगा,
वो तो जब भाई हम लेने आएंगे उसी दिन एनवेलप फटेगा और पता चलेगा। टर्की वाले में दिल धक हो रहा था, टर्की वाले में इतना नहीं था, बट इसमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी मेरे, क्योंकि एक वीजा से भाई हम ऑलमोस्ट इस ट्रिप में 21 से 22 कंट्रीज कवर करने वाले हैं, तो ये वीजा बहुत इंपॉर्टेंट है, शेंगेन वीजा। अच्छा फीस की बात करूं तो भाई 11,900 रुपए लगे हैं विद SMS सर्विस, और हमने कुरियर सर्विस नहीं ली, उसके शायद से 700 रुपए अलग से है, तो हमने तो वही है भैया कुरियर में अटक गया तो दिक्कत रहेगी, दिल्ली है ही कितना दूर, 1 घंटे का रास्ता, खुद आके ले जाएंगे, इतने का 700 रुपए का तो डीजल भी नहीं लगेगा जितने का ये मांग रहे, और दो एप्लीकेशन के 1400 रुपए, तो वो हमने मना कर दिया। पर ऑलमोस्ट 12,000 रुपए में एक बंदे का वीजा हो गया, प्लस जो एजेंट की फीस आप स्लॉट बुक करने के लिए दोगे वो अलग, वो मतलब कितने होते हैं 3-4 हजार रुपए के, है ना, 5,000 रुपए मैक्स टू मैक्स पर पर्सन, तो वो उन्हीं से बात कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे रखा है। बट ये है कि ऑनलाइन तो भैया हमने 10 दिन ट्राई करा है स्लॉट बुक करने का, एक दिन का भी स्लॉट नहीं मिल रहा था, आगे पीछे कहीं का भी नहीं, तो फिर इन्होंने हाथों हाथ दिलवा दिया, बढ़िया मस्त जुगाड़ भी क्या दिलवाया, टाइम भी नहीं लगा, टाइम भी नहीं लगा इन्होंने, टाइम भी एक तो दिन भी अपने हिसाब से हमारे हिसाब से चूज करवाया कि आप जब आने आ जाना, और अंदर घुसते ही भाई हार्डली 10 मिनट में नंबर आ गया अपना और डॉक्यूमेंट्स करे, उसके बाद क्या था बायोमेट्रिक हुई है, फोटो लिया, फिंगरप्रिंट लिया, वो भी 2 मिनट का प्रोसेस था, और उसके बाद सीधा टाटा बाय बाय फीस भर दी। अच्छा फीस भरने आओगे तो या तो कैश देना या फिर इनका अकाउंट वहां पे लिखा हुआ है गूगल पे में, अकाउंट बैंक अकाउंट से ट्रांसफर आप कर सकते हो, और फिर इनको ईमेल करना होता है वो स्लिप, बाकी यही प्रोसेस था। अब हम चलते हैं घर और वेट करेंगे 7 दिन, उसके बाद आपको बताऊंगा मिला या नहीं मिला। तो यार आज देखो 22 मार्च है, हमने वीजा एप्लीकेशन अपनी 13 मार्च को दी थी, यानी कि ऑलमोस्ट 10 दिन होने वाले हैं। ऐसी ना मैं रात को बैठे बैठे चेक कर रहा था डाल के अपना ट्रैकिंग, ये रेफरेंस नंबर की वीजा आया मतलब पासपोर्ट रेडी है नहीं, और देखो भाई क्या देखने को मिलता है, पासपोर्ट रेडी फॉर कलेक्शन। तो ऑलमोस्ट भाई 10 दिन के बाद, बीच में अगर छुट्टी वुट्टी हटा दोगे तब भी 6 से 7 दिन के बाद हमारा जो पासपोर्ट है वो BLS पहुंच चुका है, रेडी है कलेक्शन के लिए। हालांकि हमें अभी ये नहीं पता चलेगा कि वीजा लगा है नहीं लगा, वो तो हमें कलेक्ट करने के बाद ही पता चलेगा। बट भाई ये रात को मैंने गलत चेक कर लिया, मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी इस चक्कर में कि लगा होगा या नहीं लगा होगा। सुबह उठते ही भाई 9:30 बजे भागूंगा यहाँ से गुड़गांव से, और 1 घंटा लगेगा दिल्ली पहुंचने में। पांडे को भी बोलता हूँ, उसको फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा, इतने दिन से हम तड़प रहे थे भाई कि कब आएगा, फाइनली आ गया तो फोन नहीं उठा रहा। बट कोई नहीं, कल सुबह जाते हैं और देखते हैं भाई क्या सीन हुआ है। दिल ना ऐसे धक धक सा हो रहा है, क्या बताऊं, बस नींद भी नहीं आने वाली आज। तो आज है भाई नेक्स्ट डे, फाइनली BLS आ गए हैं। अभी हमें पता चला है कि टाइम को लेकर भी थोड़ा सा इशू है यहाँ पे पासपोर्ट कलेक्शन का। हम आए हैं 3:30 बजे। हाँ ये देखो भाई लिखा हुआ है सबमिशन टाइमिंग है 9 से 4 और पासपोर्ट कलेक्शन जो है वो 4 से 7 है, मंडे से फ्राइडे। तो आज वैसे तो वेडनेसडे है बट 4 बजे ही पासपोर्ट मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, और ये शायद से ये वाली खिड़की खुलेगी। अंदर मैंने बात करी, वो कह रहे अभी भी दे देंगे बट वो एक फ्लेक्सिबल करके इनकी कुछ फीस है 354 रुपए की एक पासपोर्ट की, तो अभी लेना तो 354 रुपए तो दे देंगे वरना 4 बजे से 5 बजे। अच्छा हमने ना एक सर्विस भी ली थी, आपको मैंने बताया था ना SMS सर्विस, 300 कुछ रुपए लिए थे शायद उसके, बट वो भाई वेस्ट है, मतलब हमें एक ही दिन मैसेज आया, 13 मार्च को हमने सबमिशन करा, 15 मार्च को मैसेज आया मेरे पास भी पांडे के पास भी कि तुम्हारा पासपोर्ट जो है एम्बेसी में आ चुका है, एप्लीकेशन सबमिटेड रिसीव्ड या सबमिटेड, उसके बाद से भाई एक भी मैसेज नहीं आया, और हमने ऑनलाइन जाके चेक करा है तब पता चला कि पासपोर्ट रेडी है, मतलब हो सकता है तुमने कब लास्ट चेक करा, आज भी नहीं आया, फिर भी मैसेज नहीं आया। अब ये भी नहीं पता, हो सकता परसों से आया हुआ वो पासपोर्ट, हमें तो पता ही नहीं था कल रात को, वो तो मैंने चेक कर लिया बैठे बैठे, तो इसलिए मत लेना भाई फालतू के पैसे है। और ये फ्लेक्सिबल वाली भी हम तो जल्दी आ गए, ले सकते थे बट नहीं ले रहे हैं, 4 बजे तक ही वेट करेंगे, 4 बजने में अभी 20 मिनट है, तब तक टाइम पास करने के लिए मैंगो शेक पीने आ गए। ये वाली हमें स्लिप मिली थी उस दिन, और इसमें भी ना इन्होंने लिख के दिया था मंडे टू फ्राइडे 4 से 5 PM, बट हम गधे ऐसे है भाई सब बिना पढ़े ही आ गए, बट कोई नहीं, चलो अब तो 5 मिनट बचे हुए, जल्दी 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 भाई यूरोप वीजा लंदन जल्दी। चलो जी टाइम हो गया है, थोड़ा लेट ही हो गया, ट्रैफिक की वजह से गलियों में फंस गए थे जूस के चक्कर में। लो भाई मिल गए, दोनों लिफाफे फट रही है। मैं आपको बताया था ना एक कागज निकलता है अगर रिजेक्शन होता है, तो कागज ना फील हो रहा था, बट हमने पूछा अंदर से तो वो कह रहे कागज वैसे भी आता है जो आपका बायोमेट्रिक होता है ना उसका कागज ये देते है। लो जी पहले मैं खोलू तुम, जो कागज तो है यार मैं खोलना तो रिजेक्शन का नहीं है ना कागज, पता नहीं यार पहले कागज ही पढ़ने दो भाई। हाँ ये तो वो है भाई लग गया तो लगा नहीं पहले नहीं था, ये पहले नहीं था, तो वो ही लगाएंगे ना। लग गया भाई साहब, कांग्रेचुलेशन, खोलो जल्दी, होए 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 होए, इसका भी लग गया होगा, दोनों की फाइलें साथ ही लगी थी तो ऑब्वियस ही बात है भाई लगा ही दिया होगा भाई, अभी तो देखना है कितने दिन का मिला है, जल्दी करो जल्दी, वेट नहीं हो रहा हो, मेरी दिल की धड़कने बड़ी पड़ी अभी तक। हाँ वही है, अंदर देखो अंदर लग गया भाई साहब, यस यूरोप।
फाइनल अब बचा अपना यूके फाइनली। चलो जी कितने पहले डेट वेट देख लेते हैं हम कितने दिन का मिला। The next morning. जितनी खुशी भाई वहाँ पे वीजा देख के हुई थी ना, अगले ही मोमेंट जैसी हमने नंबर ऑफ डेज देखे ना स्टे के, पूरी खुशी वैसे खराब सी हो गई, इसलिए कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया। अब घर आके 3-4 दिन बाद ये व्लॉग बना रहा हूँ। सीन बताता हूँ हुआ क्या। हमने देखो भाई वीजा अप्लाई किया था 86 डेज के लिए, बट हमें 86 डेज का चाहिए नहीं था, हमें 72 डेज जो है वो पूरा यूरोप कवर करना था। तो हमने सोचा था 86 का अप्लाई करेंगे, 72 का मिल जाएगा, दिक्कत नहीं होगी इतनी। तो मतलब आप समझ रहे हो भाई यूरोप इतना बड़ा है, हमें ऑलमोस्ट यूरोप की 22 से 23 कंट्रीज कवर करनी थी और उसके लिए 72 डेज चाहिए ही चाहिए थे, उसके बिना हम कवर कर ही नहीं पाएंगे। बट भाई एम्बेसी ने हमें जो वीजा ग्रांट किया ना वो वैलिडिटी तो 3 महीने की दी है। अभी आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, हमने ना अप्लाई किया था 16 मई 2023 से 13 अगस्त 2023 यानी 86 डेज। तो इन्होंने क्या किया ना, वैलिडिटी दे दी इस दिन से इस दिन तक, यानी कि ऑलमोस्ट 3 महीने 86 डेज हो गए कि हम इस बीच में कभी भी यूरोप जा सकते हैं। और मल्टीपल एंट्री दिया हमने, मल्टीपल अप्लाई किया था, इसका मतलब ये है कि इन 3 महीने के बीच में ना हम कितनी बार भी अपना यूरोप जा सकते हैं, कितनी बार भी वापिस आ सकते हैं, फिर जा सकते हैं, फिर आ सकते हैं, बस इन 3 महीने के बीच ही। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक है। आगे लिखा हुआ ड्यूरेशन ऑफ स्टे ओनली 30 डेज। तो इसको देख के भाई हमारा दिमाग घूम गया, हमने 10 जगह फोन लगाए, पता किया ये क्या चक्कर है। तो ये एम्बेसी ने मतलब सोच समझ के दिया 30 दिन का। तो अब इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा 86 डेज का टाइम पीरियड है ना, 16 मई से 13 अगस्त, इसके बीच में हम कितनी बार भी एग्जिट एंटर तो कर सकते हैं, बट टोटल हम 30 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकते। मान लो हम पहली बार एंटर करें शेनेगन एरिया वाली कंट्रीज में, तो उसमें हम 10 दिन रुके, फिर हम एग्जिट करके नॉन शेनेगन में जैसे बल्गेरिया वगैरह। तो जब हम अगली बार वापस जर्मनी में या ऐसी किसी कंट्री में एंटर करेंगे ना जो शेनेगन एरिया में आती है, तो हमें 30 दिन वापस नहीं, 10 माइनस करके 20 दिन ही मिलेंगे। अब जबकि हमें चाहिए थे भाई 72 डेज यूरोप में और मिले हैं सिर्फ 30 दिन। तो अब हमें भाई आधी से ज्यादा कंट्रीज को कट डाउन करना पड़ेगा। और पिछले 5-6 दिन में हमने बहुत जगह कंफर्मेशन कर ली, बहुत जगह जुगाड़ कर लिया, बट ये वीजा का कुछ नहीं हो रहा। तो अब डिसीजन यही लिया है कि ज्यादा ना सोच के भाई यूके वीजा अप्लाई करते हैं और यूरोप 30 दिन में ही कवर कर लेंगे। पहले जहां 21-22 कंट्रीज यूरोप की कवर हो रही थी, अब वही जाके 10-11 हो जाएगी। इसमें क्या ना, कई कंट्रीज नॉन शेनेगन एरिया में आती है, तो उसमें आपको ना एंट्री तो मिल जाती है अगर आपके पास शेनेगन वीजा है, बट आपके नंबर ऑफ डेज काउंट नहीं होते वहां पर। तो 5-6 कंट्रीज हम वो निपटा लेंगे, बल्गेरिया, क्रोशिया, अपना इस तरह का, और बाकी शेनेगन में 6-7 कंट्रीज हो जाएगी बड़ी बड़ी, एम्स्टरडेम, जर्मनी वगैरह, पेरिस हो गया, मतलब फ्रांस हो गया सॉरी। तो ये थोड़ा सा बस बुरा लग रहा था कि ट्रिप थोड़ी छोटी हो गई, बट कोई नहीं, अब हम ये ज्यादा दिन यूके में और टर्की में, ईरान में बिता लेंगे, शेनेगन फिर से चले जाएंगे। अभी तो हम लंदन से वापस आएंगे ना, हमारी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग हो चुकी होगी, हम इतनी कंट्रीज घूम के आए हैं, तो अगली बार तो बहुत इजीली वीजा मिल जाना चाहिए। बाकी ठीक है भाई, अब हो गया जो हो गया, 72 डेज की जगह 30 डेज में यूरोप एग्जिट मारना पड़ेगा किसी भी हालत में, तो वो थोड़ी सी परेशानी वाली बात है, बट कर लेंगे मैनेज। इतना जब चीजें मैनेज कर ली ना, तो ये छोटी मोटी तो नहीं कहूंगा, बड़ी चीज है, बट मैनेज हो जाएगी, ठीक है जी। बट फाइनली हमारी प्रोफाइल ऐसी थी मस्त, हमने डॉक्यूमेंट रेडी करे कि हमें जो है वीजा मिल गया है और पांडे को भी मिल गया। अब सेम फाइल लगाई थी, तो उसको भी 30 दिन ही दिया, मुझे भी 30 दिन, बट काफी एजेंट से हमने बात करी, काफी वीजा से लोगों से बात करी, वो हैरान थे कि फर्स्ट टाइम में 25 साल की उम्र में आपको शेनेगन वीजा दे दिया विदाउट रिजेक्शन स्पेन के थ्रू। तो वो कह रहे थे अच्छी बात है, ज्यादा उंगली मत करो, अब ये भी चला जाए कहीं जो मिला है। मैंने कहा ठीक है यार, अब देखी जाएगी। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही था भाई, थर्ड वीजा हमारा शेनेगन वीजा भी लग चुका है, अब लास्ट यूके वीजा बचा है, नेक्स्ट वीडियो आप उसी की देखोगे शायद, वो लग गया तो फिर अपनी लंदन ट्रिप फाइनली हो ही रही है। वो नहीं भी लगा तब भी भाई ट्रिप तो करेंगे, यूके नहीं एंटर करेंगे। बाकी भाई इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज रास्तों पर नहीं पढ़ना पीता, बाय।